महाराष्ट्र के अमरावती में निर्दलीय सांसद नवनीत राणा को आज लीलावती अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। 14 दिन पुलिस हिरासत में रहने के बाद भी नवनीत राणा का हौसला कमजोर नहीं पड़ा है। अस्पताल से बाहर आते वक्त भी उनके हाथ में हनुमान चालीसा थी। उन्होंने अस्पताल से बाहर आने के बाद मीडिया से बात करते हुए नवनीत राणा ने कहा कि हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए मैं 14 दिन तो क्या 14 साल भी जेल में रहने को तैयार हूँ। नवनीत राणा के समर्थकों ने हनुमान जी की मूर्ति भेंट कर उनका स्वागत किया। सांसद नवनीत राणा के हाथों में हनुमान चालीसा लेकर अस्पताल से निकलते ही उनके समर्थकों ने जय श्री राम के नारे लगाए। इसके साथ ही लोगों में एक जोश था और सभी वहां पहुंचकर उनके समर्थकों ने माथे पर टीका चंदन लगाते हुए नवनीत राणा का स्वागत किया। अस्पताल के बाहर जो आप तस्वीर में देख सकते हैं, बजरंग बली की जय, बजरंग बली की जय, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अभी जो अत्याचार मुझ पे हुआ, जिस तरीके से मेरे साथ में जो भी लॉकअप से लेकर जेल तक हुआ और चेकअप जो डॉक्टर ने लिख के दिया कि अर्जेंट इनका चेकअप होना चाहिए बिकॉज शी इज फेसिंग अ मेजर प्रॉब्लम स्पॉन्डिलाइज एंड माय लोअर वेस्ट बैक, चूंकि उसका इंजरी जो है वो मेजर हुई है, शी शुड गेट चेकअप 27 से लेकर 4 तारीख। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज़ इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।